नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है निशा किचन में। इस समय समझ रहे हैं कि इस समय मटर जो निकल रहा था, अब ख़त्म होने वाले सीजन है मटर के। अब तो जो कि हमारे जो मटर थे आखिरी वाले, वो सरसों के बीच में लगाया गया है। और ये जो मटर होते थे थोड़ा अलग टाइप के होते, चलते हैं आपको खेत में दिखाते हैं। तो हमारे घर वाले बोले हैं कि आज हमें निमोना खिला दो इसी मटर का। तो चलते हैं पहले आपको खेत में दिखाते हैं ये मटर किस टाइप का होता है, इसका निमोना बहुत अच्छा बनता है। तो चलते हैं पहले खेत में। इधर देखिए, जहाँ पे हमारा सरसों लगाया गया था, देखिए इसमें काफ़ी अच्छे दाने पड़ गए हैं। और बीच बीच में देखिए यही एक जो मटर लगाया गया था, तो काफ़ी इसमें अच्छे मटर पड़े थे। देखिए बहुत सारे जो कि चिड़ियाँ खा गई हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें से चिड़ियाँ खा गई हैं और ये भी चिड़ियाँ खा गई हैं। जितने मतलब दाने जो पड़े हुए थे मटरों में, सारा मतलब चिड़ियाँ खा गई हैं। जो दानेदार मटर है उनको देख के देखिए हम तोड़ लेते हैं। टोकरी को देखिए सरसों के बीच में टिका देते हैं और मटर ढूंढ ढूंढ के हम भी तोड़ लेते हैं। देखिए ये चिड़ियाँ खा गई है। और ये आपको दिखाते हैं इसके दाने, देखिए कितने छोटे छोटे और गोल गोल होते हैं और काफ़ी मीठे दाने होते हैं इसके। और ये बहुत ज़बरदस्त मटर होते हैं। इस मटर क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत छोटे मटर हैं और इसकी क्वालिटी इस मटर की बहुत अलग है। तो सरसों में जो मटर बोए थे ना, ये आखिरी वाले मटर होते हैं हमारे गाँव में। सरसों के बीच में लगाते हैं, जब मटर ख़त्म होता है तो फिर आखिरी जो मटर होते हैं इन्हीं का तोड़ के सब्जी या फिर घुघरी बनता है। आखिरी जो सीज़न होते हैं मटर के। तो देखिए यही था आखिरी मटर जो कि अब हमारे खेत में यही है। ये जो मटर के पेड़ होते हैं ये काफ़ी लंबे होते हैं सरसों के मतलब पौधों पे चढ़ चढ़ के फरे होते हैं। तो इधर सरसों जो बड़े वाले थे, अभी इधर आ गए हैं चने वाले खेत में। देखिए इसमें छोटे वाले सरसों देखिए लगे गए हैं और ये भी बिल्कुल मटर जैसे दिख रहे हैं। देखिए इधर मटर भी लगा है साइड में और सरसों भी दोनों जैसे दिखने लगे हैं। देखिए तोड़ दाने जो हैं, दानेदार मटर देख के तोड़ लेते हैं सब। बहुत सारा चिड़ियाँ ही खा गई, बहुत ज़्यादा ही चिड़ियाँ खा गई मटर को। अगर ये नहीं तोड़ेंगे तो ये सब भी खा जाएंगे। तो जितना दानेदार मटर है खेत में से आज पूरा ढूंढ ढूंढ के हम सरसों का खेत में का तोड़ के निकाल लेंगे मटर को। देखिए ये सब भी रहा बहुत। तो यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी सारा जो कि मटर तोड़ लिया है और चलते हैं लेकर इसको घर पर। अब तो मटर देखिए खेत से तोड़ने के बाद देखिए इसको काफ़ी सारा हमने छील लिया है। अभी और छील रहे हैं, थोड़ा सा और छीलेंगे हम। आलू इसमें कम डालेंगे निमोना में। तो ये मटर के दाने देखिए कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं और कितने सफ़ेद दिख रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत मटर हैं ये, और ये खाने में बहुत मीठे लगते हैं। तो अभी जो कि मटर जो है, मम्मी दोबारा गई थी तो खेत में जहाँ छिपे हुए मटर थे सरसों में, तो बहुत सारा तोड़ी, इतना तोड़ी। तो फिर हम लोगों ने मिलकर साथ में छीला भी है बात करते करते। थोड़ा सा ये जो मैंने तोड़ा था ये रह गया था, तो ये भी छील के बना दें तो सूख जाएगा मटर। मटर यहाँ पे देखिए मैंने छील लिया सारा जो मटर था, और इसमें हम थोड़ा सा आलू डालेंगे। तो देखिए हमारे खेत के आलू हैं, इसका छिलका हमने उतारेंगे। छिलका से देखिए इस तरीके से हम दो भाग और चार भाग में काट के रख लेते हैं आलू को भी। और इधर दो प्याज लिया, लहसुन अदरक और हरी मिर्च और कुछ मसाले इसमें हम जो पीस के डालेंगे निमोने में, तो इसका टेस्ट जो सब्ज़ी का बहुत अच्छा आएगा। तो पहले हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं, आलू काट लेते हैं, उसका फिर हम मटर के साथ मसाले भी कुछ पीसेंगे। मटर पीसने के बाद निमोना बनाने के लिए इधर मैंने सारी तैयारी कर ली। देखिए मटर भी छिला गया, आलू भी काट लिया, टमाटर भी लिया है, ये तड़का लगाने के लिए लहसुन और हमने प्याज और थोड़ा सा लाल मिर्च लिया है। तो सबको हम पहले साफ पानी से धो लेते हैं, जो मटर थे उनको हम धो लेते हैं बढ़िया से, सभी चीज़ों को बढ़िया से। इधर देखिए मैंने जो मटर था इसको साफ पानी से कई बार धो लिया। अब इसको हम देखिए सिलबट्टे पे पीसेंगे दरदरा, तभी जो कि निमोना अच्छा बनता है। तो काफ़ी नरम मटर है, तो इसको देखिए इस तरीके से हम दरदरा ऐसे दरदरा दे रहे हैं सिलोड़े से। सिलोड़े से पिसा हुआ जो मटर होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है और निमोने में बड़ा अच्छा स्वाद आता है। और मिक्सर नहीं खाता अच्छे से, जो कि मटर उतना अच्छे से पिसाता नहीं बिना पानी डाले। तो हल्का सा जब पानी डालेंगे तब पिसाएगा, तो जो पानी पड़ जाता है उसमें तो इसका स्वाद थोड़ा सा बेकार आता है, मतलब उतना अच्छा नहीं आता है। इधर जो मटर था देखिए हमने एकदम दरदरा इसको पीस लिया है। अब हम कुछ मसाले पीसेंगे। साबुत यहाँ पे देखिए धनिया साबुत लिया है, इसको हम सिलबट्टे पीसेंगे। तो इसको हम मसाला डाल देते हैं। और इधर मैंने गरम मसाले है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और जीरा है इसमें, और दालचीनी टुकड़ा है, जावित्री है। ये सारे मसाले जो है इसमें डाल देते हैं गरम। और यहाँ पे जो मैंने प्याज लिया है इसको पीसेंगे, और लहसुन साथ में हरी मिर्च तीन लिया है। ये सबको एकदम हम बारीक मसाला पीस कर तैयार कर लेते हैं निमोनियम डालने के लिए। पिसा हुआ मसाला जो होता है सिलबट्टे का, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। तो पानी डाल डाल के थोड़ा थोड़ा हम मसाले को पीस लेते हैं। इधर जो मैंने सिलबट्टे का मसाला देखिए बढ़िया सा पीस लिया है, इसको हम कटोरी में उठा लेंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो आप मिक्सर जार में मसाले को पीस सकते हैं एकदम बारीक, थोड़ा सा पानी डालकर। चूल्हे में इनको जला दिया, रख दिया कढ़ाई। इसमें हम सरसों का तेल डालते हैं, ये हमारे घर का सरसों का तेल है, इसी में हम निमोना सब्जी जो कि बनाएंगे। तो सरसों का तेल हम बढ़िया से डाल देंगे,
कि अच्छे से हमारा जो मटर पीसे हैं भुना जाए बढ़िया सा। तेल हमने एक कलछुल डाल दिया है, गर्म होने के बाद इसमें तड़का लगाएंगे। अब इधर देखिए हमारा सरसों का तेल था कढ़ाई का, बढ़िया सा गर्म हो गया है। जब अच्छे से तेल गर्म जाए तभी तेल में तड़का लगाए तो इससे सब्जी जो है बहुत अच्छी बनती है, सही तरीके से तड़का लगता है तब। तो यहाँ पे देखिए निमोना के लिए हमने लिया है पचफोरन, इसमें पांच चीज़ बनाया था। इसमें सौंफ है, मंगरेल है, मेथी है, राई है और जीरा है। तो पांच चीज़ से बनता है, आप अपने घर पे भी आसानी से पांच चीज़ें डाल के जो मसाले होते हैं खड़े बना सकते हैं पचफोरन। और जब सूखे सब्जी में और बहुत सब्जियों में जो किसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अपने मनपसंद जो सब्जी आपको लगती है उसके हिसाब से पचफोरन डाल सकते हैं, जीरा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे निमोना के लिए मैंने पचफोरन लिया है और तेल अच्छे से हमारा गर्म हो गया तो इसको हम तड़का लगाएंगे। तो डाल देते हैं तेल में। इधर मैंने प्याज काटा था और देखिए दो लाल मिर्च काटे थे, इसको अब हम तेल में डाल देंगे। जब हमारा प्याज जैसे ब्राउन हो जाएगा तब उसके बाद हम आलू डालेंगे। तो पहले प्याज को बढ़िया सा भून लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने प्याज का तड़का लगाया था देखिए ब्राउन हो गया प्याज, अब इसमें हम आलू डाल देते हैं। तो ये खेत के आलू है, काफ़ी छोटे आलू थे, ये खाने में जो आलू बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो इसको मैंने डाल दिया आलू को। आलू को थोड़ी तक हम भूनेंगे पहले, उसके बाद फिर पिसा हुआ मटर डालेंगे। तो आलू को देखिए काफ़ी देर तक मैंने भून लिया है, अच्छे से आलू लाल हो गया है। इसमें जो हमने मटर पिसा था आप डालते हैं इसको। अब मटर को भी हम ऐसे ही बढ़िया सा भून लेंगे, जितना मटर को भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा निमोने में। इसको देखिए चला कर भूनेंगे बढ़िया सा। उधर देखिए मटर को हमने काफ़ी देर तक भून लिया है और जो इधर देखिए जो मसाला पीसे थे सिलबट्टे मैंने, इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर मिला देते हैं। तो एक चम्मच मैंने हल्दी पाउडर मिला दिया है। इस मसाले को हम डाल देंगे कढ़ाई में। अब देखिए हमारा मटर जो अच्छे से भुना गया है, ये देखिए पीसा हुआ मसाला देखिए हम इसमें कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर हम डाल दिए कढ़ाई में। अब इसी के साथ हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक हम अपने टेस्ट के अनुसार डाल दे रहे हैं सब्जी में, थोड़ा सा और डाल दे रहे हैं। तो इसको चला देंगे, थोड़ा सा पानी और डालते अभी हम। मसाला डालने के बाद खूब बढ़िया सा भूनना चाहिए तो पानी कम पड़ा, थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है। अब इसी के साथ हम देखिए डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने तीन टमाटर काटे हुए थे, ये खेत के हमारे टमाटर थे लाल पके हुए, इसको डाल दे रहे हैं। अब डालने के बाद इसको चला देंगे और मसाले को बढ़िया सा ढककर भून के पका लेंगे। तो मैंने मसाले डाले, देखिए मसाला बढ़िया सा हमारा भुना गया। इसमें हम पानी डालेंगे निमोने में, ये देखिए बढ़िया सा हम गाढ़ा हो गया भुना कर। इसमें देखिए हम पानी डाल लेते हैं अपने ग्रेवी के अनुसार, जितना हमें पतला या गाढ़ा निमोना रखना है उस हिसाब से पानी डाल देंगे। तो हमें रोटी से खाना है तो शाम को जो कि हमारे यहाँ चावल कोई खाता नहीं है तो रोटी के हिसाब से हम गाढ़ा निमोना थोड़ा रखेंगे। पानी मैंने ऐसे देखिए डाल दिया है, अब इसको पका लेंगे, ज़्यादा पानी डालेंगे हम। पानी डालने के बाद निमोना देखिए अच्छे से हमने पका लिया है सब्जी जो है, ऐसा कलर कितना अच्छा आया है। इसको देखिए हम चला दे रहे हैं। अब चलाने के बाद देखिए ऊपर से डालेंगे हम देसी घी। यहाँ पर हमने एक चम्मच देसी घी लिया, इसको डाल देते हैं। देसी घी जरूर डालें निमोने में, इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारे घर का देसी घी है, इसको देसी घी डालने के बाद देखिए इसको हम चला देंगे और अब हम एक बर्तन में निमोने को उतार लेते हैं। तो ये देखिए निमोने को बर्तन में खाली कर देंगे क्योंकि लोहे कढ़ाई में बनाए हैं, तो लोहे कढ़ाई में अगर सब्जी हम छोड़ देंगे तो सब्जी जो कि हमारी काली पड़ जाएगी। तो इस तरीके से आप निमोना बनाइए। और ये जो मटर होते हैं थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, जो सरसों में बीच बीच में लगाए जाते हैं, जो गांव में रहते होंगे वो जानते होंगे ये मटर। तो निमोने की सब्जी हमारी बनकर एकदम देखिए रेडी हो गया है, आपको दिखाते एक बार। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है निमोना हमारा जो है कि, और इसको आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, किसी के भी साथ खाइए, खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से आप मसाले पीसिए और मटर को सिलबट्टे पीसिए और इसको बढ़िया सा भूनिए, तभी जाके निमोना बहुत बढ़िया बनता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। अगली वीडियो साथ मिलते हैं, धन्यवाद।